आप एक लो बजट में लाइट सेटअप करना चाहते हैं, सिर्फ डेकोरेशन के लिए बिल्कुल नहीं होता है, एक बल्ब को नहीं 3 बल्ब को सेटअप करना है। दोस्तों अगर आप एक लो बजट लाइट सेटअप करना चाहते हैं वो भी अपने प्लांटेड टैंक के लिए, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। एक्वेरियम की लाइट सिर्फ डेकोरेशन के लिए बिल्कुल नहीं होता, ये आपके फिश और प्लांट्स के लिए बहुत जरूरी होता है। आज हम डिस्कस करेंगे कैसे आप एक लो बजट में अपने टैंक के लिए परफेक्ट लाइट सेटअप कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लाइट का टाइप। वैसे तो दो टाइप का लाइट आता है, पहला जो अपने एक्वेरियम शॉप में इजिली अवेलेबल होता है, जो कि स्पेशली डिजाइन किया गया होता है एक्वेरियम के लिए। जो दूसरा आता है वो है बल्ब, अपना एलईडी बल्ब जो हम घर पे यूज करते हैं। तो वैसे ऑफकोर्स हम सेकंड वाला ही ऑप्शन चूज करेंगे यार, पहला वाला महंगा होता है। अगर आप पहला ऑप्शन के साथ जाते हैं तो वो उसमें आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है, खाली पैसा इन्वेस्ट करना है और आपको ला के लगाना है, बस इतना कुछ आपको करना है। लेकिन अगर आप सेकंड ऑप्शन चूज करते हैं, जो कि हम पर्सनली उसको चूज करने वाले हैं, तो आपको कुछ चीजें ध्यान में रखना होगा। सबसे पहला है लाइट इंटेंसिटी का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह का प्लांट लगाए हो उसी तरह इंटेंसिटी आपको जरूरत पड़ने वाला है। और दूसरा चीज आपको जो ध्यान में रखना है वो लाइट का स्पेक्ट्रम, जनरली 6500 केल्विन का होना चाहिए ताकि आपका प्लांट्स ग्रो कर सके। ये बात हो गया कि क्या क्या चीजें आपको पता होना चाहिए। अब मैं आपको अपना पर्सनल व्यू बताता हूँ, ठीक है। ये लाइट देख रहे हो दोस्तों, ये 6 वाट का लाइट है, ये प्लांटेड टैंक के लिए लाइट आता है और ये 6 वाट का है। जब मैं लिया था इसको अराउंड 600 रुपए मेरे को पड़ा था, 6 वाट का है, 600 रुपए लिया है। और आपको आपके पास भी होगा अगर मैं गलत नहीं हूँ, कभी ना कभी तो ये खरीदे रहोगे यार ये वाला। और मुझे समझ नहीं आता है कि भाई ये लाइट काम क्या है आता है ना, इससे प्लांट्स ग्रो होते हैं, ये जस्ट खाली डेकोरेशन पर्पस के लिए है। अगर मैं इसको फ्री में भी दे दूंगा ना भाई, ले जा यार, सामने वाला लेगा भी नहीं, मना करेगा, रखे रहा अपने पास बोलेगा। मैं तो बहुत पैसा खर्ची हूँ इन सब चीज़ों में, मैं तो इन सब चीज़ों को दिखाने का बस इतना है कि अगर आपके पास मनी है, अगर आप खरीद सकते हो, अफोर्ड कर सकते हो तो खरीदो यार। चीज़ों का कोई गारंटी नहीं रहता है कि कब खराब हो जाए, सही चले तो चले, ना चले तो ना चले, ऐसा सिस्टम रहता है उसका। इसी रीज़न की वजह से दोस्तों आप इसको प्रेफर कर सकते हो, ये बल्ब लेना सबसे बेस्ट है, और इससे बेस्ट ना कुछ नहीं, ये बल्ब लेना सबसे बेस्ट रहता है। क्योंकि अगर इसमें आपका पैसा खर्च भी हो जाता है ना तो आपको कोई अफसोस नहीं होगा, खराब भी हो जाए तो किसी को खराब नहीं लगेगा। और इस चीज़ का तो मैं गारंटी दे सकता हूँ, ये साला सालों साल चलेगा। अगर ख़राब भी हो गया तो नहीं होगा यार, इतना जल्दी ख़राब नहीं होगा ये। और अगर ये ख़राब भी हो जाएगा ना आपको अफसोस नहीं लगेगा, क्योंकि बहुत सस्ता मिलता है, ईजिली आप सेटअप कर सकते हो और बहुत आसान है सेटअप करना। देखो एक बल्ब सेटअप करना आप जानते ही रहोगे, लेकिन हमें एक बल्ब को नहीं अपना 3 बल्ब को सेटअप करना है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से आप अपने टैंक के लिए सेटअप कर सकते हैं ये बल्ब को। तो आप अपने टैंक के हिसाब से, अगर मान लो 2 फीट का है या फिर 3 फीट का है, तो उसी हिसाब से आप बल्ब यूज़ कर सकते हैं। मतलब अगर 2 में हो जा रहा है तो ठीक है यार, 3 क्यों यूज़ करना, 2 भी आप यूज़ कर सकते हो या फिर 3 यूज़ कर सकते हो, मतलब अपने हिसाब से। उसके हिसाब से कुछ होल्डर ज़रूरत पड़ने वाला है, ड्यूरेबल वाला आपको तार ज़रूरत पड़ने वाला, ये वाला ऐसा तार जिसमें प्लग लगा हुआ है, आप लगा लीजिएगा ऐसा प्लग। और एक वायर थोड़ा सा अच्छा वाला लेना है, कंजूसी नहीं करना, ऐसा वाला तार लेना है आपको, बड़ा वाला। पर उनको ना देखिए, हम 3 बल्ब सेटअप करने वाले हैं तो उसके हिसाब से मैं यहाँ पर 3 वायर काट लिया हूँ अपने साइज के हिसाब से, देख सकते हो, एक वायर और ये हो गया 2, और अपना हो गया लास्ट वन प्लग वाला। तो अब हम इसमें सेटअप करने वाले हैं, वो भी 3 बल्ब एक स्विच में। सबसे पहले होल्डर ले लेंगे और इसको ना अच्छे से खोल लेंगे थोड़ा सा। अगर हम एक बल्ब यूज़ करते रहते तो हम यहाँ पर डायरेक्ट कनेक्ट करते और इसको बंद करके बल्ब लगा के डायरेक्ट ऑन कर देते तो ये हो जाता, लेकिन हम यहाँ पर 3 बल्ब कनेक्ट करने वाले हैं, इसलिए हमें तीनों को एक ही साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। तो हमें सबसे पहले एक वायर हम लेंगे यहाँ से, और ये जो येल्लो है ना, इन दोनों को ऐसे रखेंगे और इसको ऐसे। दोस्तों वायरिंग को गलत मत कीजिएगा, क्योंकि वायरिंग अगर गलत हो जाए तो कुछ चीज़ें सही नहीं रहेगा, शॉर्ट हो जाएगा शायद, पता नहीं, लेकिन कुछ भी हो सकता है। इसलिए वायरिंग को थोड़ा सा सही से रखिएगा, रेड वाला रेड में जाएगा और अपना येल्लो वाला जो है ना अपना येल्लो में जाएगा। अच्छे से देख सकते हो दोस्तों मैं किस तरह से किया हूँ, इसी तरीके से आपको करना है। तो इसको अच्छे से लगाने के बाद देख सकते हो किस तरह से हमने किया है, रेड वाला रेड में जाएगा, येल्लो वाला येल्लो में जाएगा। कनेक्शन बिल्कुल भी गलत मत करना दोस्तों, इसलिए अच्छे से आप देख लो एक बार, और इसको हम टाइट कर देंगे। और ये होने के बाद हम यहाँ पर एक बल्ब का हमारा रेडी हो गया। उसी तरह
हमें दूसरा सेकंड बल्ब का भी करना है। रेड वाला रेड में जाएगा, येलो वाला येलो में जाएगा। तो वायरिंग में गलती मत करना, मेन वायरिंग होता है। वायरिंग में अगर गलती हो गया ना यार, तो क्या ही बताऊँ, मतलब कुछ चीज़ें सही नहीं रहेगा। तो इसलिए वायरिंग में गलती नहीं करना। और ये अपना एक बल्ब लग गया। ये जो तीनों बल्ब है ना, तीनों अलग अलग पावर का है। मान ये 18 वाट का है, या 12 वाट का है, और ये पकड़ लो आप 9-7 वाट का होगा। तो जब ये बल्ब जलेगा ना, तो ये उतना ही, मतलब जितना रोशनी इसका होगा ना, उतना ही रोशनी देगा। ये भी इंडिविजुअल रोशनी देंगे, सबके सब अलग अलग रोशनी देंगे। तो अगर, और हमने जिस तरीके से इसको कनेक्ट किया है, इसमें क्या होगा कि मान लो अगर आपका ये बल्ब ख़राब हो जाता है फ्यूचर में, तो आप इसको बस खोलना और दूसरे के साथ रिप्लेस कर देना बस, और ये रेडी टू गो है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप करता हूँ कि आपको वीडियो थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी फिश कीपिंग।